हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। हर रोज़ की तरह आज भी हम लोग कुछ नया सीखेंगे, नया देखेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली गेट 2020 का रिजल्ट आउट हुआ है और इसमें बेसिकली तीन टाइप के एस्पिरेंट हैं। पहले वो एस्पिरेंट जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है और उनका स्कोर, गेट स्कोर जो है वो अच्छा आया है। सेकेंड, वो एस्पिरेंट जिनका रिजल्ट तो अच्छा नहीं है लेकिन उनका गेट क्वालिफाई हुआ है। और तीसरे टाइप के वो एस्पिरेंट्स जिनका गेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है, और साथ ही साथ वो एस्पिरेंट्स जो अभी बीटेक फाइनल ईयर में हैं, थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग गेट की तैयारी जॉब करने के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे और किसी कारण से उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया है, या बोलिए उनका रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो पाया जैसा उन्होंने सोचा हुआ था। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को किस तरीके से अब आगे बढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप वन एस्पिरेंट से जिनका गेट स्कोर बहुत अच्छा आया है और उनकी रैंक बहुत अच्छी आई है। तो फ्रेंड्स, आप सारे लोग पीएसयू के जितने भी फॉर्म निकल रहे हैं भरते चलिए। ऑलरेडी इस बार पीएसयू काफ़ी कम है, जो जो भी पीएसयू के फॉर्म निकलते जा रहे हैं आप लोग उसको भरते चलो। साथ ही साथ जितने भी आईआईटीज के एमटेक एडमिशन वाले फॉर्म निकल रहे हैं उसको भी आप लोग भरते चलो। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आप लोग दूसरे एंड पे बैठे हो, आपको लगता है कि आईआईटीज में एमटेक करने से क्या फ़ायदा है। बेसिकली अभी क्या है, आज के सिनेरियो में जॉब बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जितने भी आईआईटी के फॉर्म निकल रहे हैं उनको भरते चलो। एटलीस्ट जो ओल्ड आईआईटीज हैं उनके फॉर्म ज़रूर भरो, वहाँ पे डिजाइन और थर्मल का प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छा है ही। साथ ही साथ कुछ नए आईआईटी भी ऐसे हैं जहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं, जस्ट लाइक आपका आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गांधीनगर, ये काफ़ी ग्रोइंग आईआईटीज हैं, इनके भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ एमटेक ही करो, ऐसा भी होगा आप लोग एमटेक के साथ में भी गेट में अच्छी रैंक ला सकते हो, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग एमटेक का जो ऑप्शन आईआईटी के थ्रू खुल रहा है उसको जरूर ग्रैब करो, उसको जरूर हासिल करो। और जिन लोगों का थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन एमबीए की तरफ हो तो वो लोग एक कॉलेज है निटी मुंबई, उसको चूज़ कर सकते हैं। वहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, वहाँ पे लोगों के प्लेसमेंट 12 लाख से लेकर के 47 लाख तक का प्लेसमेंट होता है। तो जिन लोगों का भी थोड़ा सा इंक्लिनेशन एमबीए लाइन की तरफ हो वो लोग निटी मुंबई का फॉर्म ज़रूर भरें। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग जिनका भी स्कोर अच्छा आया है वो बिल्कुल भी ये गलती मत करें कि अपनी पढ़ाई में ब्रेक लगा करके पीएसयू के पीछे परेशान रहें। देखिए, जो रिजल्ट आना है वो आएगा, आपका जहाँ पे भी पीएसयू में होना लिखा हुआ है वो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, किसी के कहने या ना कहने से आपके सिलेक्शन में रुकावट नहीं आने वाली। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा परेशान मत रहिए कि आपका सिलेक्शन किस पीएसयू में होगा किस में नहीं, जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होना है वहाँ हो जाएगा। आप लोग बस पढ़ते चलो अच्छे से और जो भी फॉर्म निकल रहे हैं रिसेंट में वो भी भरते चलो। जैसे आपका रिसेंट में आया है एनएलसी का फॉर्म, उससे पहले यूपीआरवीयूएनएल का आया था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत यूनिट निगम लिमिटेड, तो ये सारे फॉर्म आप लोग भरते चलो। और जॉब नोटिफिकेशन के लिए भी आप लोग को ज़्यादा भटकना नहीं है, मैं अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल जो ट्रिकी मैकेनिकल का है दोनों पे शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग को ज़्यादा कहीं भटकना नहीं है, बस फोकस रहना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, एमटेक की जो रिक्वायरमेंट है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले आईओसीएल में वैकेंसी आई थी, वहाँ पे एमटेक एज एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया था, और आज ही एक वैकेंसी आई है जो ऑलरेडी मैंने आप लोग को शेयर किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पे, कि इसरो में एज ए साइंटिस्ट पोस्ट कुछ वैकेंसी है जिसके लिए एमटेक की ही सिर्फ रिक्वायरमेंट मांगी गई, मतलब आप लोग को एमटेक होना कंपलसरी है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग को अगर एमटेक में कहीं अच्छी जगह एडमिशन मिल रहा है तो आप लोग उसको ज़रूर लो। अगर आपके पास उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, और अगर नहीं है तो आप लोग एमटेक को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए टाइप टू एस्पिरेंट्स की बात कर लें। ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका गेट स्कोर तो अच्छा नहीं आ पाया लेकिन उन्होंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बता दूं, जिन्होंने भी गेट क्वालिफाई किया है वो सारे के सारे लोग 12,400 जो एमएचआरडी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए एलिजिबल है, बशर्ते आप लोग किसी न किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल करा लो। वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, या आपके आईआईटीज हो सकते हैं, एनआईटीज हो सकते हैं। तो
तो फ्रेंड्स बता दूं, आप लोग आईआईटीज के जितने भी फॉर्म निकल रहे हैं वो जरूर भरें। आईआईटीज में एमटेक में बेसिकली दो प्रोग्राम रहते हैं, पहला टीए टीचिंग असिस्टेंटशिप, ये बेसिकली 2 ईयर प्रोग्राम रहता है, और जो दूसरी कैटेगरी रहती है आरए, वो होता है रिसर्च एसोसिएट, वो बेसिकली 3 ईयर का प्रोग्राम रहता है फ्रेंड्स। तो आप लोग आरए कैटेगरी का फॉर्म जरूर भरिए, और साथ ही साथ एमएस का एक फॉर्म निकलता है मास्टर इन साइंस, उसको भी जरूर भरिए। और फ्रेंड्स आईआईटी मुंबई में एक ब्रांच है सितारा, उसको भी आप लोग जरूर भरिए। वहाँ पे क्या होता है, गेट स्कोर जो रिक्वायरमेंट रहती है वो काफ़ी कम जाती है, और आप लोग को एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना के देना रहता है। उसमें बेसिकली आप लोग को यही सब मेंशन करना रहता है कि आप लोग वो ब्रांच क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो इसको आप लोग डिटेल में जा करके आईआईटी मुंबई की साइट पे देख सकते हो कैसे क्या फिल करना रहता है। उसके बाद जब कट ऑफ आएगा फिर आप लोग को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आप जा करके अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप लोग का सिलेक्शन वहाँ भी हो सकता है। और चौथा है आपका इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच, तो आप लोग इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच को भी जरूर भरिए। जैसे आपके मटेरियल साइंस हो गया, इंडस्ट्रियल ट्राइबोलॉजी हो गया, ऐसे बहुत ढेर सारी इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच रहती हैं आईआईटीज में, उसका फॉर्म भी आप लोग जरूर भरिए फ्रेंड्स। चांसेस वहाँ पर जरूर रहता है कि अगर कट ऑफ लोअर साइड रहा तो आप लोग को इंटरव्यू कॉल आएगा, और आपने अगर इंटरव्यू अच्छे से परफॉर्म कर दिया तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। और फ्रेंड्स एनआईटी में एडमिशन पाने के लिए आप लोग को एक सीसीएमटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। वहाँ बेसिकली 4 राउंड होंगे, पहला दूसरा तीसरा राउंड, और चौथा जो रहता है नेशनल स्पॉट राउंड। आप लोग सारे के सारे राउंड में प्रेजेंट रहिए, चांसेस है आप लोग को एक अच्छा एनआईटी या एक अच्छी ब्रांच तो एटलीस्ट मिल सकती है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूँ, पूरे एमटेक एडमिशन में आप लोग का गेट मार्क्स का कोई मतलब नहीं रहता है, आप लोग का जो गेट स्कोर है सिर्फ और सिर्फ उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। और फ्रेंड्स सिमिलर वे में आप लोग स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो रहते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हो, और साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहो तो वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो, और आप लोग को स्कॉलरशिप एमएचआरडी की तरफ से मिलेगी, बशर्ते आप लोग का कॉलेज जो है वो एमएचआरडी से इनरोल हो यानी कनेक्टेड हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो लोग भी गेट 2021 को अपना टारगेट मान के चल रहे हैं, तो मैं आप लोग के लिए एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सारे डिटेल बताऊँगा कैसे आप लोग की क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरीके से आप सब्जेक्ट को कवर करो, क्या आप लोग का रिवीजन प्लान होना चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज आपको कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, वो सारा एक प्लान मैं आप लोग को बताऊंगा। और कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप लोग उसका भी यूज कर सकते हो, गेट ओवर करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैंने बनाया हुआ है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दिया, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हो। तो चलिए टाइप 3 एस्पिरेंट्स की बात कर लेते हैं जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, आप लोग जरूर इस एग्ज़ाम में आज क्लियर नहीं कर पाए हो कट ऑफ, लेकिन अगर आप लोग अपनी गलतियों को दूर करोगे तो आने वाले टाइम में आप लोग भी सक्सेस को जरूर हासिल करोगे। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका गेट एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो तो आपके जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गेट में अच्छा रैंक नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाला हुआ है, BARC निकाला हुआ है, इसरो निकाला हुआ है। तो हमेशा आप लोग अगर अपना प्रिपरेशन लेवल अच्छा करके रखोगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखोगे, कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है, आप लोगों ने अच्छे से कंसेप्ट बना लिए हैं, तो कुछ टाइम जरूर लगेगा, उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन बैक टू बैक सीरीज में सिलेक्शन आपके होंगे। ये बात मेरी आप लोग लिख लो, अगर आपका प्रिपरेशन का जो लेवल है वो रीच कर गया तो आपका एक नहीं कम से कम 10 जगह आपका सिलेक्शन होगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, कभी भी आप लोग को ये नहीं महसूस करना है, ना ये सोचना है कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो मैं ये एग्ज़ाम कैसे निकाल पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी किसी भी स्टेज पर ये मैटर नहीं करता है कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, बस ये चीज़ मैटर करती है कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है। अगर आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। तो हमेशा मोटिवेटेड रहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, डेफिनेटली एक ना एक दिन आप लोग को सफलता मिलेगी। और फ्रेंड्स आप लोग अपनी पढ़ाई का रिदम जो है वो बना कर रखिए, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए कि आपका गेट में अच्छा नहीं हुआ तो अब आप क्या करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका स्कोर जरूर कम आया है या आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन आपने गेट के लिए पढ़ाई तो की है, तो जब आपने पढ़ाई की है तो आपको चीज़ें आती हैं, बस आपको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है अच्छे से, बार बार रिवाइज कीजिए, और
जितने भी फॉर्म निकल रहे हैं उसको भरते चलिए। और जो भी फॉर्म निकल रहे हैं उसको ऑलरेडी मैं शेयर कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल और अपने फेसबुक पेज पे, तो आप लोग को उसके लिए भी कहीं भटकना नहीं है। आप लोग को सिर्फ फोकस करना अपनी पढ़ाई पे, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, फॉर्मूला कॉपी को रिवाइज कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग प्रीवियस ईयर जो गेट के क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से बार बार लगाइए। कम से कम उसका 3 से 4 बार रिवीजन आप लोग का होना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग अपने आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छे से फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अभी से गेट 2021 के लिए परेशान मत होइए। वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग को जो आ रहे हैं एग्ज़ाम उन पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से दीजिए, और जो आपकी कमियां होती जा रही हैं उसको नोट डाउन करते चलिए और उनसे आप लोग सीख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, जितने भी अभी आपके पीएसयू के फॉर्म निकल रहे हैं उनके सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता है। बेसिकली आपके दो पार्ट में ये सारे एग्ज़ाम होते हैं, पहला आपका टेक्निकल पार्ट और दूसरा नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिलेबस प्रेफर किया जाता है वो होता है गेट का सिलेबस। तो इसीलिए मैं आप लोग से कह रहा था कि गेट का सिलेबस एक स्टैंडर्ड सिलेबस रहता है, इसीलिए आप लोग सारी चीज़ें एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लो, और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन जितनी बार कर सकते हो कर लो। फ्रेंड्स, टेक्निकल पोर्शन में आप लोग को बहुत अच्छा स्कोर करना चाहिए। और नॉन टेक्निकल की बात की जाए तो नॉन टेक्निकल में बेसिकली 4 एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जीएस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। तो चारों की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि अभी मोस्ट ऑफ द पीएसयू अपना सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने लगे हैं, तो इसलिए आप लोग को नॉन टेक्निकल पार्ट को भी अच्छे से कवर करना चाहिए, और मैं इसकी स्ट्रेटजी अभी आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए मैंने यही सारी चीज़ें इस स्लाइड में लिख रखी हैं कि अपने शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला कॉपी को जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज़ कीजिए। और प्रीवियस ईयर, बेसिकली जो गेट के प्रीवियस ईयर है ना फ्रेंड्स, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आए हुए हैं, तो इसलिए गेट के प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका कम से कम 3 बार रिवीजन कर लो। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द पीएसयू एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है वो बेसिकली दो पार्ट में रहता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट जो उन लोग का रहता है उसमें गेट का जो सिलेबस रहता है टेक्निकल पोर्शन का, उसको एज अ स्टैंडर्ड सिलेबस माना जाता है। तो इसलिए आप लोग गेट में जितना आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी, भले आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है, लेकिन जितना आपने पढ़ लिया उसको बार बार रिवाइज करते रहिए जब तक आपके आने वाले एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं आपको गेट 2021 की स्ट्रेटजी बाद में बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आप लोग आने वाले एग्ज़ाम पे पूरा फोकस बना के रखिए, और साथ ही साथ कम से कम प्रीवियस ईयर के 2 से 3 बार रिवीजन लगा लीजिए फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और फ्रेंड्स, अब देखिए जीएस सिलेबस की बात की जाए, तो फ्रेंड्स जीएस की बात की जाए तो देखिए जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, इतने कम टाइम में सारी चीज़ें कंप्लीट करना तो पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ देखिए क्या होता है कि जितने पीएसयू अपने एग्ज़ाम कराते हैं वो अपना सिलेबस भी देते हैं, तो जीएस पोर्शन का जो इनका सिलेबस रहता है वो थोड़ा वेरी करता है। तो आप लोग उस सिलेबस को प्रिंटआउट निकाल करके उसके हिसाब से तैयारी करना चालू करो। तो उसके लिए आप एक कोई रेफरेंस मटेरियल का यूज़ कर सकते हो, कोई स्टैंडर्ड बुक जैसे मेडिजी की एक बुक आती है आप उसका यूज़ कर सकते हो, या आपके पास कोई अच्छा स्टैंडर्ड मटेरियल रखा हुआ है तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, या आप यूट्यूब पे आपको कोई अच्छा सोर्स मिलता है तो वहाँ से भी आप उसको कवर कर सकते हो। और फ्रेंड्स, जीएस में क्या होता है कि कुछ स्टैटिक पोर्शन रहता है, कुछ डायनेमिक पोर्शन। तो स्टैटिक पोर्शन जो रहता है वो फिक्स रहता है, वो ज़्यादा बदलता नहीं है। तो अगर आपके सिलेबस में स्टैटिक पोर्शन दिया हुआ है तो कोशिश कीजिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की, और जो डायनेमिक पोर्शन रहता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका करंट अफेयर्स रहता है, तो उसके लिए करंट अफेयर्स की मेडिजी की मैगजीन आती है आप उसका यूज़ कर सकते हो, या आपके पास कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल ऑलरेडी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आप लोग SSC JEE या SSC CGL का जो GS वाला पोर्शन है उसका यूज कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस सेट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आने वाले टाइम में ट्रिकी मैकेनिकल का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे जीएस के कुछ क्वेश्चंस को शेयर करूँगा, और साथ ही साथ डेली बेसिस पे वहाँ पे कुछ वोकैब्स और सेंटेंस एरर की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको शेयर करूँगा, तो आप लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करो। और फ्रेंड्स, चलते हैं अब एप्टीट्यूड और रीजनिंग पोर्शन में। तो देखिए सबसे पहले एप्टीट्यूड की बात कर ली जाए, तो आप लोग डेली बेसिस पे कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करते चलो एप्टीट्यूड को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए या उससे टच में बने रहने के लिए। कम से कम 10 क्वेश्चन को डेली सॉल्व करो। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ नीचे कुछ टॉपिक दे रखे हैं उनको एटलीस्ट अच्छे से कवर कर लो, इससे आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड्स, देख लीजिए टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए।
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन बेस्ड जो प्रॉब्लम रहती है वो यहाँ से आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फिर मिक्सचर एलिगेशन और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इन सारे टॉपिक में अगर आपको कहीं पे भी कमजोरी है तो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, इसके बहुत अच्छे वीडियो सोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जिसका वीडियो सोर्स आपको अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को कोई अच्छा सोर्स बता सकूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं रीजनिंग के पार्ट में। तो रीजनिंग के लिए भी आप लोग एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे लगाते चलो, इससे आपका रीजनिंग रिकॉल होगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप लोग कम से कम कवर करके जाओ ही जाओ किसी भी एग्ज़ाम को देने। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, पजल, आपका मिसिंग नंबर और सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम, सिलॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन गेट में भी सिलॉक से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स सिलॉक को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर आपका ब्लड रिलेशन, सिमिलरली डायरेक्शन और कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो फ्रेंड्स ये सारे ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से कवर करो सो दैट आप लोग रीजनिंग वाले पोर्शन में अच्छे से स्कोर कर पाए। फ्रेंड्स अब चलते हैं इंग्लिश पार्ट पे। तो देखिए इंग्लिश का सिलेबस भी बहुत वास्ट है, उसके लिए आप लोग के पास अगर कोई रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल है या आपके पास ऑलरेडी आपने किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रखा है तो आप लोग बस उसको रिवाइज कीजिए और आप लोग एरर बेस्ड जो प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व कीजिए। वहाँ पे क्या होगा, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं या जितनी आपने थ्योरी कवर करी है वो आपका रिवाइज हो जाएगी और बेसिकली उस एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए अगर आप लोगों ने एरर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी उससे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस स्ट्रांग हो जाएगा, फिर मॉडल और वैसे टेंसेस, फिर आपके आर्टिकल का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रांग होती चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसलिए आप लोग एरर बेस्ड जो प्रॉब्लम रहती है उनको सॉल्व कीजिए, वहाँ से आप लोग का इंग्लिश का जो ग्रामर वाला पोर्शन रहता है वो स्ट्रांग होगा। वोकैब के लिए मैं ऑलरेडी आप लोग को अपने फेसबुक पेज पे कुछ वोकैब्स डेली बेसिस पे कवर कराऊंगा, तो आप लोग उसको डेली बेसिस पे कवर करते चलो, एक दो बार रिकॉल कर लो, आपको चीज़ें याद रहेंगी। फ्रेंड्स अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग का डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है फ्रेंड्स, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।